और मैं तो कहता हूं कि आने वाला दिन में इस बार जब 24 में हम लोग जाएंगे तो फारबिसगंज से भी हवाई जहाज चलाएंगे। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, तो अररिया जिला में भी प्रदीप सिंह का गारंटी। जो विकास का काम अररिया जिला में नहीं हुआ, आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपके सामने दिख रहा है। ये 4 ट्रेनें अभी आपको मिलने वाली है और ये मुझे लगता है कि आचार संहिता लगने से पहले आपको अररिया जिला को इतना बड़ा सौगात मिलने वाला है। फारबिसगंज के सबसे बड़ा कठिन समस्या है, लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, लेकिन वह दिन दूर नहीं कि आप सबको फ्लाईओवर का भी लाभ मिलने वाला है। मित्रों, अभी कुछ पत्रकार मित्रों ने सवाल किया रेल का, मैं बता दूं ये सहरसा से फारबिसगंज ये कांग्रेस के जमाने में छोटी लाइन थी, इसको उखाड़ के 14 साल में बड़ी लाइन में परिवर्तन नहीं हुआ। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं कई बार लोकसभा के पटल में इन बातों को रखा और आज आप सब भी देख रहे हैं कि बड़ी लाइन में परिवर्तन पटरी बन के तैयार है, बिजली का जो इलेक्ट्रिफाइड होना था वह भी हो गया है। बहुत जल्दी जोगमनी में पीट लाइन बन रहा, स्वीकृत करवाया, क्योंकि पीट लाइन का मतलब है कि साफ सफाई रख रखाव, अगर ट्रेनें चलती है 2-4 तो वो कहां साफ सफाई होगा, कैसे घूमेगा, वह व्यवस्था ही नहीं था। और हमने पीट लाइन का व्यवस्था कराया, काम शुरू है। जब वह पीट लाइन चालू, आम्रपाली भी यहीं से चलने वाली है, इंटरसिटी भी चलने वाली है। और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी आचार संहिता से पहले पटना जाने का कोई ट्रेन नहीं है, जोगमनी से दानापुर एक ट्रेन हम पटना के लिए देने जा रहे हैं, ये आपको आचार संहिता से पहले होगा। रक्सौल से जोगमनी, जोगमनी से सिलीगुड़ी, व्यवसाय के लिए कितना बढ़िया बात हुआ, यहां से कटिहार, कटिहार से जोगमनी 6 घंटा में आप जोगमनी से सिलीगुड़ी जा पाएंगे और जोगमनी से सहरसा, ये 4 ट्रेनें अभी आपको मिलने वाली है और ये मुझे लगता है कि आचार संहिता लगने से पहले आपको अररिया जिला को इतना बड़ा सौगात मिलने वाला है। उसी तरह से आप देखे होंगे कि अररिया जिला में जोगमनी के अंदर नेपाल सीमा में बड़ा इंटीग्रेट चेक पोस्ट बना है, आज सभी ट्रकें उसी होके जाती है। जोगमनी जो जाम का समस्या है उससे आपको निजात मिला है। तो लगातार 70 सालों में जो विकास का काम अररिया जिला में नहीं हुआ, आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपके सामने दिख रहा है। इसलिए हम सब कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, भाजपा है तो भरोसा है। याद रखिए, मंचन जी है तो भरोसा रखिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, तो अररिया जिला में भी प्रदीप सिंह का गारंटी है, फारबिसगंज विधानसभा में मंचन केसरी जी का गारंटी है और बीना जी का नगर परिषद में गारंटी है, है ना? क्योंकि काम करने वाली सरकार, और किसका काम नहीं हो रहा। अब अररिया से सुपौल 4 लेन रोड का काम हो रहा, अररिया से सिलीगुड़ी, अररिया से गलगलिया रेल लाइन, अररिया से सुपौल रेल लाइन। और मैं तो कहता हूं कि आने वाला दिन में इस बार जब 24 में हम लोग जाएंगे तो फारबिसगंज से भी हवाई जहाज चलाएंगे, ये मैं बता देता हूं।
क्योंकि उड़ान योजना के तहत बिहार में 7 एयरपोर्ट हुआ है, उसमें हमारा फारबिसगंज भी स्वीकृत हो गया। और प्रधानमंत्री का कहना है कि देश में जो गरीब लोग हैं, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे, ऐसा भारत बनाना चाहते हैं। इसलिए मित्रों, चिंता मत कीजिए, अब विकास हम लोग गिनाएंगे। विकास दिख रहा चारों तरफ, चौमुखी विकास, 400-500 ब्रिज बनवाया, इसलिए चिंता की बात नहीं है। हमें और भी एक दो जगह उधर फारबिसगंज सिटी तरफ शिलान्यास है। पुनः मैं अपनी बातों को समाप्त करते हुए, आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।